हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको अपने बालों में मेहंदी लगाना बता रही हूँ कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ लगाती हूँ, क्योंकि कोई दौर नहीं है कि मेरे बालों में मेहंदी लगा, तो मैं सेल्फ कैसे मेहंदी लगाती हूँ। तो ये देखिए, मेहंदी मैं रात को भिगा के रख देती हूँ। अगर रात को नहीं भिगा पाती हूँ तो सवेरे भिगा लेती हूँ मैं, उसके बाद एक आध घंटे बाद लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेहंदी है, दही रहने से दही में घोल लेती हूँ फ्रेंड। तो मैं बालों में मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले सामने से ऐसे लगाना स्टार्ट करती हूँ, ऐसे भी। कंघी जो है ख़राब हो जाते हैं, जो कंघी नहीं बस ऐसे ही लगा लेती हूँ, टाइम में बस कम रहता है। बस ब्रश की सहायता से ऐसे इजीली लगा लेती हूँ। बालों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा होता है, बाल को एकदम सिल्की बना देता है। अगर आप अंडा डालना चाहे तो एक अंडे को फोल्ड के इसमें डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, और नहीं तो इसी में प्याज, एक प्याज का रस को भी डाल के लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है प्याज का रस जो है बालों के लिए। तो फिलहाल अभी मैं नहीं डाली फ्रेंड, बस मेहंदी को घोल के लगा रही हूँ मैं। पता नहीं टाइम नहीं था, लगाना था तो। और कभी मैं आपको बताऊंगी इसमें और क्या क्या लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें मिला के लगाते हैं, जैसे कि आंवला है, सीकाकाई है, भृंगराज है, तो यही सब मिला के लगाती हूँ। अभी मैं न्यू हाउस में आई हूँ तो फिर मेरा सामान कहाँ कहाँ रखा है, तो अभी मैं बस फिलहाल ऐसे ही लगा रही हूँ। जब मिल जाएगा तो आपको बताऊँगी कि क्या लगाना चाहिए जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए बालों में ऐसे ही लगा लेती हूँ। ज़्यादा तो इधर पीछे साइड में बनता नहीं है, तो चाहो तो दो पार्ट्स में ऐसे बाल को बांट के भी लगाने से इजी होता है। मेहंदी लगाने के एक दिन पहले मैं बालों को धो लेती हूँ और दूसरे दिन लगाती हूँ, और रात को तेल वगैरह नहीं लगाती हूँ बाल में, तो मेहंदी का कलर अच्छे से चढ़ता है। ऐसे पूरा नीचे तक जड़ों में भी अच्छे से लगा लेती हूँ इसको। अच्छे से ऐसे पूरे बाल में लग जाना चाहिए।
और इसे 2 घंटे भी कम से कम लगा के छोड़ देती हूँ, और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो देती हूँ, और ज़्यादा है तो थोड़ा सा शैम्पू भी लगा लेती हूँ, नहीं तो बस नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ, और उसके बाद रात को अच्छे से मसाज करके दूसरे दिन शैम्पू कर देती हूँ। बहुत अच्छा हो जाता है बाल के लिए, बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये मेहंदी लग गया है, अब इसे आप जूड़ा बना लीजिए बालों में, जो बाकी बचे उसे लगा लीजिए। बाकी जो बच्चा उसके अच्छे से बस ऐसे ही ऊपर में और जड़ में ज्यादातर लगा देते हैं, नीचे नीचे साइड। उसके बाद इसे जूड़ा बना लीजिए। अगर हाथ में मेहंदी लगने का डर है तो आप ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं, मेहंदी अगर पसंद नहीं है हाथ में जो लग जाता है तो, और बस इसे अच्छे से जूड़ा बना दीजिए। छोड़ देते हैं, फिर से 2 घंटे के बाद इसे पानी से वॉश कर लेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड मेहंदी कैसे लगाई थी बाल में, और देखिए बालों में मेहंदी लगाने के बाद ये बालों को मैं वॉश कर ली हूँ, और इसे सिंपल देखिए कलर अच्छे से आया होगा, इसे सिंपल पानी से बस वॉश की हूँ, शैम्पू नहीं लगाई हूँ। अगर आप चाहो तो शैम्पू भी लगा सकते हो, मैं शैम्पू इसलिए लगाई फ्रेंड क्योंकि आज ऐसे ही बाल को रहने दूंगा, रात में अच्छे से ऑयल मसाज करूंगी, या फिर हो सकेगा तो कल इंडिगो पाउडर लगाऊंगी। तो इंडिगो पाउडर जो होता है बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, हेयर डाई बोल सकते हो आप, लेकिन वो नेचुरल हेयर डाई होता है, जैसे बाकी हेयर डाई में जो अमोनिया होता है वो उसमें नहीं होता है, तो एकदम हर्बल ही है। तो उसी को सोच रही हूँ, देखती हूँ कल अगर मेरा टाइम मिला तो कल लगाऊंगी, और अगर आज मान ले टाइम मिला तो आज नहीं जाता होगा तो ऑयल मसाज। लेकिन अगर इंडिगो पाउडर लगाना है फ्रेंड तो उसमें आज बाद में तेल वेल नहीं लगाना पड़ेगा, तभी उसका कलर बहुत अच्छे से आता है। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ कल, हो सकेगा तो मैं आज रात में कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही कभी करूँगी, वही लिवॉन से लिवॉन लगा लूँगी, तो लसता नहीं है और उसका रात में कुछ तेल वेल लगाना नहीं है। सवेरे उसको मैं इंडिगो पाउडर लगा लूँगी, आधा एक घंटे रखूँगी उसको भी, और उसके बाद उसको भी वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के टाइम उस टाइम मैं शैम्पू लगा के धोंगी, फिर शैम्पू लगा के धोने से बाल भी बहुत अच्छे हो जाएगा और इंडिगो पाउडर से कलर भी बहुत अच्छे आ जाएगा। आई होप आप यूज़ किए होंगे इंडिगो पाउडर फ्रेंड, अगर नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। इंडिगो पाउडर जो है वो एक हर्बल मेहंदी बोला जा हर्बल कलर है, मतलब नेचुरल कलर है, जैसे कि पत्तियों जैसे कि हेयर डाई जो होता है उसमें अमोनिया वगैरह होता है, तो इसमें अमोनिया या केमिकल ऐसा कुछ भी, एक नेचुरल होता है फ्रेंड, बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है, कलर बहुत अच्छे आते हैं बालों में। लेकिन लगाने का नियम वही है कि अगर आप एक दिन पहले मेहंदी लगाइए और दूसरे दिन इंडिगो पाउडर लगाइए तभी उसका कलर अच्छे से आता है, वरना कलर नहीं आता है। और मेहंदी लगाने के बाद जैसे मैं आज धोई हूँ तो शैम्पू से चाहो तो धो सकते हो यहाँ पर, लेकिन रात को तेल नहीं लगाना होता है, रात को अगर आप तेल नहीं लगाओगे सवेरे जब इंडिगो पाउडर लगाओगे बहुत अच्छा कलर आता है। तो मैं इंडिगो पाउडर लगाने का भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी,
बताऊंगी कि उसको कैसे लगाना है, जरूर देखिएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो जिसमें मैं बालों मेहंदी लगाना बताई हूँ आपको। आई होप आपको पसंद आया होगा। उतना ज़्यादा स्पेशलिस्ट तो मैं नहीं हूँ कि मेहंदी कैसे लगाना है, मैं जैसे लगाती हूँ वैसे मैं आपको बताई हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ आपके पास कुछ सुझाव हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पर कीजिएगा कि आप कुछ और अच्छे एडवाइस दे सकते हो कि मेहंदी लगाने के लिए और क्या करना चाहिए। तो सभी का मेरे कमेंट में स्वागत है फ्रेंड, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं वीडियो यहीं पर खत्म कर रही हूँ, तब तक के लिए।